हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एचपीके सॉफ्ट। और आज के हम इस ट्यूटोरियल के अंदर देखेंगे कि हम अपनी परचेज मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर किस तरह से रिपोर्टिंग को अप्लाई करते हैं। सो फ्रेंड्स, ASP.NET कोर के अंदर हम रिपोर्टिंग को किस तरह अप्लाई करते हैं, हम आने वाली वीडियोस में इस चीज़ पे देखेंगे। सो मैंने आपको सबसे पहले एक पैकेज बता दिया था रोटेटवे का, जिसकी हमने इंस्टॉलेशन कर ली थी और उसकी कन्फिग्रेशन भी मैंने आपको पिछली अपनी वीडियोज़ में डिफाइन कर दी थी। सो आज हम जो है इसका एक कंट्रोलर क्रिएट करेंगे, जो कि हमारे पास रिपोर्ट का कंट्रोलर होगा, जिस कंट्रोलर के थ्रू जो है वो हम अपने तमाम रिपोर्टिंग, सर्च और ये बाकी तमाम चीज़ें जो हैं वो हम अपनी अप्लाई करके देखेंगे। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम अपना कंट्रोलर क्रिएट कर लेते हैं। सो उसके लिए कंट्रोलर पे आके यहाँ पर हम अपना राइट क्लिक करेंगे और ऐड कर देंगे यहाँ पर एक कंट्रोलर। सो यहाँ पर हम अपने पास जो है वो एम्प्टी कंट्रोलर लेंगे और उसके बाद यहाँ पर हम अपने पास इसको ऐड कर देंगे यहाँ पर। देन कंट्रोलर का हमने नाम रखना है और इसको नाम हम दे देंगे रिपोर्ट कंट्रोलर। रिपोर्ट कंट्रोलर देन इसको ऐड कर देंगे और इसके बाद हमारे पास ये कंट्रोलर ऐड हो गया है। फ्रेंड्स, अब इसके बाद हम अपने पास जो है वो वेरिएबल को क्रिएट करेंगे, जो कि हमारे पास रीड ओनली टाइप का वेरिएबल होगा, जो कि कनेक्शन स्ट्रिंग का होगा। सो हम इसको प्राइवेट रीड ओनली और इसको हम वेरिएबल दे देते हैं कनेक्शन स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल होगा, कनेक्शन स्ट्रिंग, और इसको यहाँ पर हम डिफाइन कर देते हैं। देन इसके बाद यहाँ पर इसको हम कॉल आउट कर लेते हैं। सो यहाँ पर हम इसको कनेक्शन स्ट्रिंग क्लास बता देते हैं कि कनेक्शन स्ट्रिंग क्लास है और इसी टाइप का हमें वेरिएबल क्रिएट करना है। सो यहाँ पर इसको कनेक्शन स्ट्रिंग क्लास टाइप का वेरिएबल बना देंगे और यहाँ पर ये इसको हम इसके पैकेज को इंपोर्ट कर लेते हैं। देन उसके बाद हमें जो है वो कुछ लिस्ट चाहिए, ठीक है, और वो लिस्ट हमारे पास एक हमारे पास आइटम टाइप की होगी, जिसको हम आइटम्स कर लेंगे। देन इसके बाद हमारे पास एक और लिस्ट होगी, जो कि हमारे पास परचेज टाइप की होगी और इसको भी नाम दे देते हैं। देन इसके बाद एक और हमारे पास लिस्ट होगी, जो कि हमारी तीसरी मॉडल क्लास, यानी हमारे पास इसकी इश्योरेंस के नाम से होगी और इसका नाम दे देते हैं इश्योरेंस, ओके। और इसके बाद यहाँ पर इस कंट्रोलर का हम जो है वो कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर देते हैं। तो कंस्ट्रक्टर के लिए दिस और इसके बाद यहाँ पर हम डिफाइन कर लेते हैं। इस कंट्रोलर के अंदर एक पैरामीटर लेगा, जो कि कनेक्शन स्ट्रिंग टाइप का होगा, कनेक्शन स्ट्रिंग क्लास टाइप का होगा, जिसको मैं CC अप्लाई कर देता हूँ। और देन इसके बाद यहाँ पर हमारे पास जो ये वाला वेरिएबल है कनेक्शन स्ट्रिंग क्लास का, उसके अंदर मैं इसे डिफाइन कर देता हूँ, ओके। और यहाँ पर हम अपने पास रखते ही हैं कि एक एक्शन रिजल्ट क्रिएट कर लेते हैं, आई एक्शन रिजल्ट, जिसको हम मैं आइटम डेटा दे देता हूँ। एक्चुअली ये जो हमारे पास एक्शन रिजल्ट है वो एक्चुअली करेगा ये कि तमाम डेटा जो है वो कॉल आउट करेगा हमारे पास रिपोर्ट के लिए। सो यहाँ पर मैं करता ये हूँ कि यहाँ पर रिटर्न कराऊँगा एक लिस्ट को और वो लिस्ट मैं अपने पास यहाँ पर बुला लेता हूँ, जो आइटम्स टाइप की है। सो आइटम्स टाइप की जो हमने ऊपर लिस्ट बनाई थी, उसके अंदर मैं यहाँ पर कनेक्शन स्ट्रिंग क्लास डॉट यहाँ पर आइटम्स के टेबल्स में जाके डॉट उसके अंदर ऑर्डर बाय और ऑर्डर बाय के अंदर मैं यहाँ पर बता दूंगा आइटम आईडी के थ्रू तमाम डेटा उठे और यहाँ पर टू लिस्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाए। ओके, और यहाँ से हम इसको रिटर्न कर देंगे। रिटर्न कर देंगे इस आइटम्स को। रिटर्न हमें व्यू के अंदर कराना है और व्यू के अंदर हम इसको आइटम्स को रिटर्न कर देंगे।
सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हमने ये देखा किस तरह हम अपने रिपोर्ट कंट्रोलर को क्रिएट करते हैं, और उसके अंदर हमने एक जो है वो प्राइवेट वेरिएबल क्रिएट किया जो कि कनेक्शन स्ट्रिंग क्लास का था, और ये करेगा ये कि हमारे पास ये जो सीसी हमने बनाया था, कनेक्शन स्ट्रिंग टाइप का जो वेरिएबल बनाया था, वो हमारी इस कनेक्शन स्ट्रिंग क्लास के वेरिएबल को इनिशियलाइज़ करेगा। देन इसके बाद हमने एक एक्शन रिजल्ट बनाया जिसके अंदर हमने आइटम डेटा बताया कि जितने भी आइटम्स हमारे पास मौजूद हैं आइटम्स के टेबल में, उसे उनकी आईडी की बेसिस पे जो है वो ऑर्डर बाय करके लिस्ट करके ले आए, और वो आइटम्स जो हैं वो इस एक्शन रिजल्ट के अंदर हमने पास कर दिया। सो इससे होगा ये, तमाम आइटम्स जो हमारे आइटम्स के टेबल में मौजूद हैं वो सारे के सारे यहाँ पर आ जाएंगे। सो नेक्स्ट वीडियो में हम इससे आगे को प्रोसीड करेंगे कि इसके अंदर सर्च करके जो जितना डेटा आएगा वो किस बेसिस पे आएगा। सो कीप लाइक, कीप शेयरिंग, थैंक यू।